सिमडेगा जिले में पर्यटन की असीम संभावना है। यहाँ के पहाड़ और जंगल सदैव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बरसात के दिनों में तो इन जगहों में चार चांद लग जाता है। रिपोर्ट में देखिए यहाँ की खूबसूरती को। सिमडेगा का रामरेखा धाम धार्मिक आस्था के साथ साथ पहाड़ों की खूबसूरत श्रृंखला का खूबसूरत खजाना है। जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकारी तंत्र भी पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद में जुटा है। तो विकास होंगे टूरिस्ट प्लेस में तो बहुत ये लगेगा कि एक कहते हैं हम लोग गुलमर्ग को इस इंडिया का जन्नत कहते हैं, वैसे हमारा एक सिमडेगा भी ऐसा लगेगा टूरिज्म को देखते हुए बनाने के हिसाब से कि एक जन्नत का जगह है। बरसात आते ही सिमडेगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल जन्नत से कम नहीं होते। इसके विकास के बाद इसमें चार चांद लग जाएंगे और सरकार को यहाँ से राजस्व की भी प्राप्ति होगी। पर्यटन के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जगह है, इससे सरकार को बहुत राजस्व मिल सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 अभी तक चिन्हित किए गए स्थल है, जिसमें कि और भी सरकार चाह रही है कि और भी कुछ स्थल बनाए, क्योंकि सिमडेगा जो है एक हॉकी का नर्सरी है तो खेल से बहुत ज़्यादा लगाव है पर्यटन का। अगर खेल जितना होगा उतना पर्यटन आना पड़ेगा, और जितना शहर का विकास हो, जितना शहर का विकास हो, जितना पर्यटन का विकास हो, उतने ज़्यादा सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। केलाघाट डैम, शंख नदी और चट्टानों का बोलबा में मेल और खूबसूरत जंगलों के बीच बसा सिमडेगा मनोरम है। यदि सरकार ध्यान दे तो निसंदेह जिला एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट।